हाय, इस हफ्ते द वीकेंड लर्निंग में मैं अशोक मेनन लेके आ रहा हूं एक कहानी। डू वी प्रॉपरली आइडेंटिफाइंग द स्किल? क्या हम स्किल की सही पहचान कर रहे? एक गांव में दो मंदिर दे, एक के बाद एक। पहला एक भगवान हनुमान का दा और दूसरा भगवान राम का दा। राम मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को हनुमान जी का मंदिर के सामने से गुजरना पड़ता था। गांव के भक्तों में से एक जन प्रतिदिन राम मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए जाता था। रोज वो नारियल तेल और अगरबत्ती उसके साथ लेके जाता था और राम मंदिर में चढ़ाता था। भगवान हनुमान ये रोज देख रहे थे। एक भक्त हर दिन नारियल तेल और अगरबत्ती लेके जा रहा था। एक महीना, दो महीना पूरा हो गया, फिर भी वो भक्त प्रतिदिन नारियल तेल और अगरबत्ती लेके जा रहा था। तो भगवान हनुमान उसे पूछा, भक्त क्या प्रॉब्लम है? काफी परेशान दिख रहे है, ऐसा लगता है कि तुम बड़ी मुसीबत में है। क्या दो महीने के बाद भी कोई सॉल्यूशन या रिजल्ट नहीं मिला राम मंदिर से? भक्त ने बोला, क्या करूं भगवान, मैं पिछले दो महीने से बड़ी परेशानी में हूं, क्योंकि मेरी पत्नी एब्सकॉन्डिंग है, फरार है, और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। भक्त रो रहा था। ये सुनकर और देखकर भगवान हनुमान मुस्कुराए और भक्त से पूछा, क्या तुम इतने बड़े मूर्ख हो? तुम नहीं जानते ही कि जब उनकी पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी तो वह भगवान राम के साथ क्या हुआ था? किसने उनकी पत्नी को खोजने में उसकी मदद की है? कौन उसकी पत्नी को वापस लाया है? भक्त ने मामले को समझा और भगवान हनुमान को अपने मामले में मदद करने के लिए कहा। क्या आपके लाइफ में, फ्रेंड्स लोगों में, डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भगवान हनुमान छुपा हुआ है? जल्दी ढूंढो। प्लीज सर्च एंड आइडेंटिफाई हिम इमीडिएटली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।